आए दिन दुनिया में बहुत सारी चोरियां होती रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है लोगों ने एक पहाड़ की चोटी को ही चुरा लिया। क्या बोला तूने? शाबाश बेटा। और क्या आपको पता है दुनिया के ऐसे साथी चोर जिन्होंने बैंक के अंदर एक टर्नर बनाकर बैंक का सारा रुपया चोरी कर लिया, तो कैसे, आइए जानते हैं। नंबर वन, टैंक रोबरी। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन टैंक सच में चुराया जा चुका है। और ये टैंक जिसने भी चुराया था उसे जानकर आप बस यही बोलोगे, कहां से आते है? ये बात है 17 मई 1995 की, जब एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा टैंक ही चुरा लिया, जो कि पेशे से एक प्लम्बर था। लेकिन ये बातें आज भी हैरान करती हैं लोगों को कि एक प्लम्बर एक टैंक कैसे चोरी कर सकता है, कि कैलिफोर्निया के आर्मी नेशनल गार्ड आर्मरी से टैंक कैसे चोरी कर लिया। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चोरियों में गिना जाता है, जो कि अविश्वसनीय है। टैंक चोरी करने के बाद चोर सफाई से नहीं निकल पाया और पुलिस ने इसका पीछा किया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि टैंक 30 मील प्रति घंटा के अधिक नहीं चल सकता है, इसलिए वह चोर पुलिस के द्वारा मारा गया। ऐसे काम के बाद तो यही होना था। नंबर टू, बैंको सेंट्रल रोबरी। ये चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में गिनी जाती है। चोरों ने बैंक के नजदीक ही जमीन खरीद ली। उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू कर दी। लोगों को शक ना हो इसलिए उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया और उस पे लिख दिया, यहाँ हमारे कंपनी का काम चल रहा है, जो घास फूस और पेड़ पौधों को उगाने का काम करती है। एक सुबह जब बैंक खोला गया, तब बैंक कर्मचारियों को पता चला कि बैंक के सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। चोरों ने जमीन के अंदर 78 मीटर दूरी टर्नल बनाकर बैंक के अंदर घुस गए थे और बैंक के सारे पैसे चुरा कर ले गए। ये टर्नल उसी जगह जाती थी जहाँ पर चोरों ने खुदाई की थी। चोरों को ये तक पता था कि अलार्म और सेंसर्स कैसे बंद किए जाते हैं। इन लोगों के पास एक पूरी की पूरी टेक्निकल टीम थी, जिनको जीपीएस और बाकी चीजों का बेहतरीन ज्ञान था। इसी के दम पर उन्होंने 70 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए चुरा लिए गए। 4 सालों के बाद इन चोरों को पकड़ा गया, लेकिन उनके पास कुछ ही रुपए थे। नंबर थ्री, पहाड़ की चोटी। ये चोरी कुछ अजीब है। पूर्वी भारत में एक पहाड़ है जिसका नाम है कुंटा पहाड़। इसकी चोटी को ही चुरा लिया, पर गांव वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास जिंदगी का गुजार करने के लिए जरूरी पैसे भी नहीं थे। गांव के लोगों ने पहाड़ की एक तिहाई को अब तक काट लिया है, जिसके लिए उन्होंने 11 घंटे काम कर पहाड़ की चोटी काट ली और उसे प्रॉपर्टी डेवलपर को बेच दिया। ये चोरी भी बड़ी चोरियों में गिनी जाती है, लेकिन फिर भी ये चोरी मुझे कुछ भी गलत नहीं लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपका इस चोरी के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर फोर, फाइटर प्लेन रॉबरी। एक फाइटर प्लेन को बहुत ही सिक्योरिटी में रखा जाता है, फिर भी एक फाइटर प्लेन की चोरी कैसे हुई? 1921 में एक मेजर जो इजराइल एयरफोर्स से थे, उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर टू मार्स टैंक फाइटर प्लेन को ही चुरा लिया। जब इसे आर्ट फील्ड में रखा गया तो उसे मेजर ने स्वीडन ले जाने से पहले रिस्टोर किया और फिर वहां जाकर इसे $3,30,000 में बेच दिया, जो कि भारतीय रुपए में 2,40,00,000 रुपए के बराबर है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी मेजर बच गया और वो प्लेन आज भी स्वीडन कंपनियां यूज करती हैं। नंबर फाइव, पेरिस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम रॉबरी। मई 2010 में मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में दुर्लभ पेंटिंग, जो कि पिकासो और मेटिस जैसे कलाकारों ने बनाई थी, जिसकी कीमत 100 मिलियन यानी कि तकरीबन 800 करोड़ रुपए की पेंटिंग चोरी हो गई। वो चोर म्यूजियम के कांच तोड़कर अंदर चले गए और ये आर्ट पेंटिंग चुरा लिए, और इस चोरी का पता तब चला जब अगले दिन म्यूजियम को खोला गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतनी महंगी आर्ट पेंटिंग को जहाँ पर रखा गया था वहाँ का अलार्म सिस्टम काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, इसलिए इन चोरों को चोरी करने में और भी आसानी हो गई और इन चोरों का आज तक पता नहीं चला है। गाइस, अगर आप चोरी करने का प्लान कर रहे हैं तो ना करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे।